दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान माला पर आने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है मनुष्य इतना परेशान क्यों है। एक बार एक आदमी अपनी समस्याओं से परेशान होकर यही सोचने लगा कि अगर मुझे भगवान मिल जाए तो मैं उनसे एक बार जरूर पूछूंगा कि मुझे इतनी समस्याएं क्यों दी है जिनमें मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। वह आदमी बीमार पड़ गया और बीमारी में बहुत ही परेशान हो गया और उससे भी सभी घर वाले भी परेशान हो गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था। वह व्यक्ति बस यही सोच रहा था, अगर भगवान मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि मुझे इस समस्या में उन्होंने क्यों डाला है। आदमी अपनी बीमारी से ठीक ही नहीं हो पा रहा था, फिर भी उसने बहुत इलाज कराया पर समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही। और एक दिन एक साधु महाराज उस गांव में आए। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा कि साधु महाराज से अपनी समस्या का समाधान कराऊंगा। और इस प्रकार यह आदमी बीमारी की हालत में साधु महाराज के पास गए और कहा कि साधु महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। साधु महाराज जी ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, बस एक ही समस्या है कि तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम भगवान पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आदमी ने कहा, मुझे भगवान से ही तो मिलना है क्योंकि उनसे ही पूछ लूंगा कि मेरी इतनी समस्याएं क्यों बढ़ गई हैं, मैं इनसे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। साधु महाराज ने कहा कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो यह समस्या कुछ भी नहीं, तो इससे आराम से निकल जाओगे। साधु महाराज की बात सुनकर वह घर चला गया। धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान पर बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि वह भगवान की भक्ति में लीन हो गया और भगवान के गुणगान करने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो गई। अब उसे भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मैंने आप पर विश्वास नहीं करके बहुत बड़ी मूर्खता की। भगवान हमारे साथ ही है, वह हमारे पास ही है, परंतु हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं। भगवान सभी के अंदर निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।